नमस्कार, मैं वर्णु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें। कोरोना काल में पहली बार सड़क पर उतरे सीएम नीतीश। गुरुवार देर रात हुई बारिश से राजधानी के कई इलाके में जलजमाव है। ऐसे में सीएम नीतीश कोरोना काल में पहली बार सड़क पर उतरे हैं। शुक्रवार को उन्होंने पटना की सड़कों पर घूम घूम कर जलजमाव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पंप हाउस की स्थिति देखी और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। तेजस्वी यादव ने रक्षा मंत्री से मांगा स्पष्टीकरण। इंडिया चीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में देश भर के 17 पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल होंगे, लेकिन आरजेडी को बुलावा नहीं भेजा गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रक्षा मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि इसकी मांग सबसे पहले हमने की और पार्टी को नहीं आमंत्रित किया गया। पटना में अफसरों की होगी बड़ी फेरबदल। राज्य के 9 डीएम और 24 एसपी स्तर के अफसरों का तबादला हो सकता है। इसके अलावा 8 डीडीसी और 23 अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी भी लिस्ट में शामिल है। सबसे अधिक तकरीबन 100 डीएसपी स्तर के अफसरों का तबादला होना तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। नेपाल में खेत होने से भारत के किसान परेशान। बॉर्डर पर नेपाल की तरफ से फायरिंग के बाद सीमा से आवाजाही बंद हो गया। इससे मधुबनी में किसान ज्यादा परेशान है, जिसका अपना घर तो भारत में है लेकिन खेत खलियान सारा नेपाल में है, जिसके कारण इन लोगों के ऊपर भारी मुसीबतें आने लगी है। अब तो इन किसानों के सामने भूखमरी की स्थिति भी उत्पन्न होने लगी है। आइए देखते हैं अगला खबर। सीएम नीतीश कुमार ने कोविड सेंटर का जायजा लिया। कोरोना काल में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोविड 19 उपचार केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। बिहार के लाल अमन के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। इंडो चाइना बॉर्डर पर शहीद जिले के अमन कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचा है। समस्तीपुर के मोदी नगर प्रखंड के सुल्तानपुर गाँव में भारी संख्या में लोगों का हुजूम शहीद को अंतिम विदाई देने उमड़ा है। एईएस से बचाव के लिए सरकार ने विशेष पहल शुरू की। राज्य में नीतीश सरकार ने पिछले साल कराए गए सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर बूढ़ी गंडक के निकटवर्ती जिले में हर साल होने वाली बीमारी एक्यूट इंसेफ्लाइट सिंड्रोम से बचाव की विशेष पहल की है। सरकार की विशेष पहल पर किए गए आकलन के आधार पर एईएस से बचाव के लिए एसओपी बनाकर कार्य किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं अगली खबर। बांका में जमीन विवाद से सैकड़ों राउंड गोलियां चली। बांका जिले के टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत मजलिसपुर और नवटोलिया के बीच कब्रिस्तान की जमीन को लेकर हुए विवाद में जमकर गोलीबारी और बमबारी हुई है, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं। बिहार में खादी को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ हुआ। बिहार राज्य खादी बोर्ड के खादी वस्त्रों को बेहतरीन ढंग से मार्केटिंग के लिए ई कॉमर्स पोर्टल शुरू किया गया। लोगों को अब घर बैठे बेहतरीन खादी के वस्त्र उपलब्ध हो सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। रविशंकर प्रसाद ने पटना के नाले और सम्प हाउस का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंदिरी नाला, सैदपुर नाला, बाकड़गंज नाला सहित आधे दर्जन से ज्यादा इलाकों का दौरा किया, सम्प और पंप स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई निर्देश दिए। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। विधानसभा चुनाव की चहल पहल तेज। पटना के डीएम कुमार रवि ने गुरुवार को फुलवाड़ी शरीफ स्थित ईवीएम वेयर हाउस और नव निर्मित वीवीपैट गोदाम का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर रखने के लिए गोदाम के आसपास सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।